तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रियुसाकी पुलिस मेंबर्स को बताता है कि दोनों घरों में वायर टैप्स और कैमरास लगे होने के बावजूद भी कुछ ना रिवील होने की वजह से उसने कैमरास और वायर टैप्स को हटाने का डिसीजन लिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसे अभी भी दोनों घरों पे 5% शक है। रियुक लाइट को बताता है कि कैमरास को घर से हटा दिया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है, जहां वो पहली बार एल को देखता है। हालांकि लाइट को नहीं पता होता कि वही स्टूडेंट एल है। लाइट और रियुसाकी को यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स देने की वजह से स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, और फाइनली रियुसाकी उसके सामने रिवील करता है कि वही एल है। लाइट घर आकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि वो एल का ट्रस्ट जीतेगा, और फाइनली अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे अपने हाथों से मार देगा। और अब आगे रियुसाकी लाइट को उसके साथ टेनिस मैच खेलने के लिए कहता है। लाइट रियुगा या फिर आप कह सकते हैं रियुसाकी को बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अच्छे से जानने के लिए वो टेनिस मैच खेलने के लिए पूछेगा। लाइट रियुगा को बोलता है कि उसे टेनिस मैच के लिए इनवाइट करने से पहले उसे ये जान लेना चाहिए कि वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, जिसके जवाब में रियुगा बोलता है कि वो भी बहुत अच्छा खेलता है और वो पहले टेनिस में ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका है। लाइट मन में सोचता है कि अगर वो रियुगा से पूछे कि क्या वो ब्रिटिश है तो उसे ऐसा ना लगे कि वो उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कीड़ा है। लाइट फिर भी रियुगा से पूछता है कि क्या वो पहले यूके रहता था, जिसके जवाब में रियुगा बोलता है कि वो 5 साल यूके में रह चुका है। But save your breath. Nothing in that story would reveal Al's true identity, I promise you. रियुगा गेम शुरू होने से पहले मन में सोचता है कि एक फ्रेंडली मैच है और इस गेम से ये नहीं पता लग सकता कि लाइट कीड़ा है या नहीं, लेकिन कीड़ा को हारना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ चीफ यागमी के हेड उनसे कीड़ा केस की डिटेल मांगते हैं, जो उन्होंने एल के अंडर काम करके कलेक्ट की होती है, लेकिन चीफ यागमी उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर देते हैं। चीफ यागमी के हेड उसे बोलते हैं कि कीड़ा केस को पब्लिक की अटेंशन में आए 4 मंथ्स हो गए हैं और पब्लिक इस केस के रिजल्ट्स मांग रही है, और पब्लिक ये बोल रही है कि एनपीए और एल दोनों ही केस को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है, जिसके जवाब में चीफ यागमी बोलते हैं कि कीड़ा के डर से टास्क फोर्स में बहुत कम लोग रह गए हैं और उनके ज़्यादातर डिटेक्टिव्स अपनी लाइफ की चिंता करते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक सीरियल किलर कीड़ा बनकर आज़ाद घूम रहा है। चीफ यागमी के हेड उससे पूछते हैं कि एल ट्रस्ट करने लायक है भी या नहीं, जिसके जवाब में चीफ यागमी बोलते हैं कि एल उन सबसे ज़्यादा कैपेबल है और वो कीड़ा को पकड़ने के लिए हर टाइम अपनी लाइफ को रिस्क में रखता है। What about this L character? Can he be trusted? In my opinion, he's a lot more capable than we are. Right now, even as we speak, he's risking his life. लाइट और रियुगा के मैच शुरू होने पर वो दोनों अपने अपने मन में क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लाइट सोचता है कि अगर वो मैच जीता तो कहीं रियुगा को ऐसा ना लगे कि वो कीड़ा है, लेकिन अगर वो जानबूझकर हारा तो कहीं रियुगा को ये भी शक हो सकता है कि अपने ऊपर से कीड़ा केस का सस्पिशन हटाने के लिए वो मैच हार गया। लाइट मन में सोचता है कि सिर्फ एक टेनिस मैच के बेस पर रियुगा ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि वो कीड़ा है या नहीं। लाइट सोचता है कि रियुगा उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा और उसे ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करेगा जो सिर्फ कीड़ा को पता हो सकती है। दूसरी तरफ रियुगा अपने मन में सोचता है कि वो लाइट का ट्रस्ट उससे कीड़ा केस की इन्फॉर्मेशन को शेयर करके जीतेगा। लाइट सोचता है कि अगर रियुगा चाहता है कि वो उसके साथ कीड़ा केस को डिस्कस करे, उसके लिए वो प्रूफ मांगेगा कि वो सचमुच एल है भी या नहीं। फाइनली दोनों के मन में एक ही ख्याल आता है कि अगर उन्हें एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाना है तो उन्हें उसके लिए हेडक्वार्टर जाना होगा, और फाइनली लाइट रियुगा को मैच में हरा देता है। One cannot win with defense alone. To win, you must attack. मैच खत्म होने के बाद रियुगा बोलता है कि वो इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले उसे कुछ बताना चाहता है। लाइट के पूछने पर कि वो उसे क्या बताना चाहता है, रियुगा बोलता है कि उसे शक है कि वो कीड़ा है। लाइट रियुगा की बात सुनकर हंसता है और रियुगा उसे बताता है कि उसके हिसाब से उसके कीड़ा होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है
और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसके शक खत्म होने के बाद वो चाहता है कि लाइट उसकी हेल्प कीरा केस को सॉल्व करने में करे। लाइट मन में सोचता है कि रियुका चाहे ये बोले कि वो उस पर सिर्फ 1% शक करता है, पर वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि वो उसे टास्क फोर्स में किसी से ना मिलने दे। लाइट और रियुका कॉफी शॉप जाते हैं। लाइट रियुका को बताता है कि उसकी फेवरेट कॉफी शॉप है और यहाँ उसे अजीब तरह से बैठने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा। रियुका लाइट को बताता है कि वो इतनी अजीब तरह से इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि उसे ऐसा बैठना पसंद है, बल्कि जब वो नॉर्मल होकर बैठता है तो उसकी डिटेक्टिव स्किल्स 40% कम हो जाते हैं। रियुसाकी लाइट से पूछता है कि क्या वो एक टेस्ट देना पसंद करेगा जिससे उसके डिटेक्टिव स्किल्स के बारे में कुछ पता लग सके, और लाइट उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है। रियुसाकी लाइट को 3 नोट्स निकाल कर देता है जो प्रिजनर्स ने मरने से पहले कीरा के कंट्रोल में आकर लिखे होते हैं। रियुका लाइट से पूछता है कि वो इन नोट्स के बारे में क्या सोचता है। लाइट मन में सोचता है कि जब उसने ये नोट्स प्रिजनर्स से उनको मारने से पहले लिखवाए थे तो उसकी ये इंटेंशन थी कि एल उन नोट्स में छुपे मैसेजेस को आसानी से नोटिस कर ले, और लाइट ये सोचता है कि उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। But the fact that I'm able to solve this silly code isn't enough on its own to prove that I'm Kira. लाइट रियुका को बताता है कि अगर वो तीनों नोट्स को साइड बाय साइड लगाए और हर लाइन के फर्स्ट लेटर को पढ़े तो मैसेज बनता है, एल डू यू नो गॉड ऑफ डेथ लव एप्पल्स। रियुका लाइट को बताता है कि उसकी अजम्पशन गलत है और अपनी पॉकेट से एक और नोट निकालकर टेबल पर रख देता है और बताता है कि एक्चुअल में 4 नोट्स थे, जिसे मिलाकर कंप्लीट सेंटेंस बनता है, एल डू यू नो गॉड ऑफ डेथ हु लव एप्पल्स हैव रेड हैंड्स। एल डू यू नो गॉड्स ऑफ डेथ हु लव एप्पल्स हैव रेड हैंड्स। इट्स अ फेक। अब लाइट मन में सोचता है कि उसने तो किसी भी क्रिमिनल से 4th नोट नहीं लिखवाया था, तो रियुका ने फेक नोट क्यों बनाया। लाइट रियुका को बोलता है कि उसके पास तो सिर्फ 3 ही नोट्स थे और उन नोट्स के बेस पर उसकी अजम्पशन बिल्कुल सही थी, जिसके जवाब में रियुसाकी बोलता है कि उसे लगता था कि वो शायद समझ जाएगा कि नोट्स 3 की जगह 4 होने चाहिए थे। लाइट मन में सोचता है कि ये टेस्ट्स उसकी डिटेक्टिव स्किल्स चेक करने के लिए नहीं, बल्कि इस टेस्ट के थ्रू रियुका उसके रिएक्शंस देखना चाहता है, और अगर वो इसी तरह रियुका के ट्रिक्स में फंसता रहा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। Damn him! This wasn't just about gauging my deductive reasoning skills. He wanted to see what my reaction would be. If I keep falling for his tricks, I'll be playing right into his hands. अब रियुका लाइट से पूछता है कि अगर एक पर्सन जिस पर उसे कीरा होने का शक हो, अगर उसे पता लगाना हो कि वो पर्सन कीरा है या नहीं, तो वो क्या करेगा? अब लाइट बोलता है कि वो उस पर्सन से कोई ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करेगा जो कीरा के अलावा और कोई ना जानता हो। अब लाइट को अपने आप को ज्यादा डिफेंड करने की वजह से और 4th नोट की पॉसिबिलिटी जज ना कर पाने की वजह से रियुका का शक लाइट के कीरा होने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। रियुका लाइट को कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और उसे बताता है कि ये सेम क्वेश्चन उसने कई सारे डिटेक्टिव से पूछा था, लेकिन इतनी जल्दी आंसर कोई भी नहीं दे पाया। रियुका लाइट को बताता है कि उसका सस्पिशन 1% से बढ़कर 3% हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प कीरा केस में लेना चाहता है। लाइट रियुका को बोलता है कि अगर वो उसके साथ कॉपरेट करे तो वो कीरा केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करेगा, और बाय चांस वो कीरा हो तो वो गलती से अपने आप को रिवील कर सकता है, जिससे दोनों सिचुएशन में रियुका का ही फायदा है। लाइट आगे बोलता है कि वो माने या ना माने, लेकिन वो कीरा नहीं है और ना ही वो कीरा के हाथों मारा जाना चाहता है, और उसके पास क्या प्रूफ है कि वो खुद कीरा नहीं है। लाइट आगे बोलता है कि उन दोनों के लिए प्रूफ कर पाना इम्पॉसिबल है कि वो कीरा है या नहीं, लेकिन अगर वो सच में एल है तो उसके लिए बात प्रूफ कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और उसके लिए रियुका को सिर्फ उसके सामने उसके फादर या फिर टास्क फोर्स में से किसी भी मेंबर से पूछवाना होगा कि वो सचमुच एल है भी या नहीं, और अगर वो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता तो वो उसकी हेल्प कीरा केस में नहीं करेगा। लाइट की बातें सुनकर रियुका का शक 3% से बढ़कर 7% हो जाता है। रियुका लाइट को कहता है कि उसने तो कभी उसे टास्क फोर्स के किसी भी मेंबर से मिलने से मना नहीं किया, और उसे बताता है कि वो करंटली उसके फादर और कुछ एनपीए के लोगों के साथ मिलकर कीरा केस को सॉल्व कर रहा है। You sure talk a lot, don't you, Light? Typical for someone who hates losing. Make that 7%. तभी रियुसाकी और लाइट दोनों के सेलफोन से एक साथ रिंग करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता लगता है कि चीफ यागमी के ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उन्हें यह हार्ट अटैक आया होता है।
रियुका चीफ यागामी को बोलता है कि शायद उनका स्ट्रेस इस बात से भी ज्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि उसे लाइट के गिरा होने का शक है। लाइट रियुका को बोलता है कि क्या उसने ये बात उसके फादर को भी बताई थी, जिसके जवाब में रियुका कहता है कि वो सब जानते हैं, यहां तक कि ये भी कि वो एल है। चीफ यागामी लाइट को बताते हैं कि ये सच बात है कि यही पर्सन एल है, और अपने फादर की ये बात सुनकर लाइट को यकीन हो जाता है कि रियुका ही एल है। This guy is the real L. My father wouldn't lie. The very same man who's been controlling the police up to this point. चीफ यागामी रियुसाकी से पूछते हैं कि क्या लाइट से बात करने के बाद वो कीरा होने के सस्पेक्ट में है या नहीं, जिसके जवाब में रियुसाकी बोलता है कि उसे अभी भी लाइट के कीरा होने का शक है, लेकिन बहुत माइनर सा। और फिर रियुसाकी लाइट को उसे सस्पेक्ट करने का रीजन बताता है। लाइट रियुसाकी को बोलता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो कीरा केस में उसकी हेल्प करेगा। चीफ यागामी लाइट को बताते हैं कि कीरा को लोगों को मार पाने की पावर बहुत ईवल है, और जिस भी पर्सन को ये पावर्स मिली हैं वो कर्स्ड है, क्योंकि इस पावर को जैसे मर्जी यूज किया जाए लेकिन किसी की जान लेके कभी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ कीरा इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन हु समहाउ ऑब्टेन्ड दिस ऑफुल पावर, आई वुड से दैट ही इज कर्स्ड। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर लाइट रियुका से पूछता है कि उसे ये बिलीव दिलाने के लिए कि वो कीरा नहीं है उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में रियुका बोलता है कि टाइम आने पर ट्रूथ अपने आप रिवील हो जाएगा। लाइट रियुका को बोलता है कि वो सिचुएशन को और ज्यादा नहीं झेल सकता, और वो अपने आप को इस पोजीशन पर रखकर देखे कि अगर वो कीरा होने के सस्पेक्ट में हो तो उसे कैसा लगेगा, जिसके जवाब में रियुका बोलता है कि वो वर्स्ट फीलिंग होगी। लाइट बोलता है कि वो चाहे तो उसे किसी रूम में एक मंथ के लिए बिना टीवी और इंटरनेट के बंद करके देख ले, ताकि उसे पता लग जाए कि वो कीरा नहीं है। रियुसाकी मन में सोचता है कि क्या कोई भी नॉर्मल पर्सन अपना नाम क्लियर कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेगा, और रियुका लाइट को इस सब के लिए मना कर देता है। Would any normal person be willing to go to such extreme measures to clear their name? अब लाइट रियुक को बोलता है कि उसने कभी भी डेथ नोट को यूज करते हुए नहीं सोचा था कि वो कर्स्ड है, बल्कि वो आज तक इतना खुश कभी रहा ही नहीं जितना वो डेथ नोट को यूज करते हुए रहा। ड्यूक बोलता है कि उसे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कर्स्ड फील करता है या हैप्पी, लेकिन वो इतना जानता है कि जो भी ह्यूमन शिनिगामी के कांटेक्ट में आए हैं उन्हें ज्यादातर मिसफॉर्चून ही मिली है। Honestly, I could care less whether you feel cursed or happy to have a notebook. I leave that sentimental crap to you humans. Normally, humans who come into contact with a Shinigami have nothing but misfortune. अब एपिसोड के एंड में एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मालिक के पास कीरा की तरफ से एक पैकेट आता है, जिसमें एक नोट और कुछ टेप्स होती हैं, और उस नोट में लिखा होता है कि अगर ये टेप्स पब्लिक में रिलीज ना की गई तो वो न्यूज कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को एक एक करके मार देगा। और यहां खत्म होती है हमारे डेथ नोट की एपिसोड 10 की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें ऐसे ही आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए।